सलमान खान ने की प्रियंका की बोलती बंद। शुक्र है भाई थोड़ी सी तो बोलती उसकी बंद हुई है, लेकिन ये है कि शो भी जो है ना प्रियंका और अर्चना की जो है बातें हैं और आवाज होनी से चल रहा है। लेकिन आज जो है ना साथ साथ है कुछ रिश्तों की भी जो है थोड़ी सच्चाई, जो हम कहते आ रहे हैं काफी वक्त से कि ये फेक है फेक है फेक है, तो उन रिश्तों की जो है सच्चाई हमें दिखी है, फेकनेस दिखी है। वो बात जो है काइंड ऑफ उन्होंने खुद ही जो है प्रूफ किया है ये बात। तो चलिए जल्दी से जो है इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल वेलकम टू धनक दुनिया, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड लेट मी नो कमेंट्स कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा और आज का जो बिग बॉस का एपिसोड है वो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का क्या रिव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू है आज के एपिसोड के, बिग बॉस के एपिसोड के बारे में। तो चलिए एपिसोड का जो है रिव्यू शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मेन जो टॉपिक है आज का वो यही रहा है कि प्रियंका की जो है कैसे सलमान खान ने जो है बोलती थोड़ी बंद की है, एक्चुअली बंद नहीं की है लेकिन उसको रियलाइज एक्चुअली करवाया है कि कहाँ पे वो जो है ना ज्यादा बोल जाती है, जहां पे उसको जरूरत नहीं भी होती है उतना एग्जैचुरेट करने की। ये नहीं कहा कि वो गलत बोलती है, क्योंकि हर कोई चाहे गलत बोले या सही बोले वो बोलने ही तो आए हैं, बोलने का ही तो शो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का ही शो है। लेकिन एक लिमिट होती है उस चीज़ की भी, एक तरीका होता है जो कि वो लिमिट क्रॉस कर देती है और हर चीज़ में जिस तरह से जाना जाती है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो उस चीज़ का जो है इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाने की कोशिश की गई है प्रियंका को। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो प्रियंका जो है मैं उसको उस तरह से डिसलाइक उतना नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जिस तरह से वो रिएक्ट करती है या जिस तरह से वो बोलती है या जिस तरह से वो ओवर रिएक्ट जो है वो कर जाती है ना, वही चीज़ जो है उसकी बस पसंद नहीं है। अदरवाइज मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो जो कर रही है वो गलत है या वो जो बोल रही है वो गलत है, मैंने हमेशा उसके तरीके पे बात की है। तो अगर वो ये चीज़ थोड़ी सी समझ जाए और थोड़ा सा ठीक कर ले अपने आप को तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे अंकित भी जो समझाने की कोशिश कर रहा था तो उसने अंकित की भी नहीं सुनी, क्योंकि उसको लगता है कि वही सही है और जो वो कर रही है वही सही है, किसी और की तो उसको सुननी ही नहीं है। सलमान खान ने भी उसको यही जो है कहने की कोशिश की है कि आप जो है ना सिर्फ कहती रहती हो और सुनती नहीं हो। फिर शालीन ने भी जो है उसको कह दिया कि इसकी वजह से तो मैं ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था या ज़्यादा मुझे समझ नहीं कि इसने जो है मुझे उकसाया अगर ये ओवर नहीं करती। उसने भी ये नहीं कहा कि जो वो कह रही थी वो गलत कह रही थी, लेकिन उसने कहा कि अगर वो ओवर ना करती, ओवर रिएक्ट नहीं करती तो शायद सिचुएशन में खुद ही जो है काम हो जाता। क्योंकि शालिन जी तो बहुत ही मासूम बच्चे हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको तो गाइडेंस चाहिए। और इसलिए तो कहा था मैंने कल कि टीना को जो है ज़्यादा ज़रूरत ही, ज़्यादा सेंसिबल बंदी थी टीना डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि जो है शालिन जो है वो उसको समझ नहीं आता है, अपने गुस्से में वो ना समझ हो जाता है। तो फिर ऐसे गुस्से जो गुस्सा हो जाए या जो गुस्से में कोई डिसीजन लेना चाहे तो उसको तो फिर उससे तो पूछोगे ही नहीं ना आप, तो फिर सेंसिबल बंदे से ही पूछोगे। तो यहाँ पे जो दिखा रहे कि शालीन जो है सेंसिबल बंदे बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, तो ओहो मैं क्या ही बोलूँ कि मैं तो सिंबल को मुझे कैसे पता चलेगा यार, आई डोंट नो ये वो, मुझे ये आई मीन क्या कहता है मुझे यानी कि खुशी थोड़ी होगी जान की कि सुम्बुल जो है मुझे पसंद करती है, वो मुझ पर क्रश है उसका। खुशी तो मुझे इस बात पे होगी जान की कि सौंदर्य का क्रश है उस पर, देख लो। लेकिन दिलो दिल में जो है ना शालीन भी को भी अच्छा लग रहा है कि सुम्बुल का क्रश है उस पर। लेकिन अगर सुम्बुल ने कहा है कि नहीं है और सिर्फ फॉन्डनेस है तो चलो मान लेते हैं उसकी, लेकिन दिस इज हाई टाइम नाउ सुम्बुल के वो अब जो है ना अपना डिस्टेंस जो है मेंटेन करे। अब जो है घर के जो है टारगेट पे होने वाले हैं ज्यादातर अर्चना और प्रियंका। वैसे सलमान खान ने कहा कि वैसे सही बात है सलमान खान की भी कि वैसे तो पूरे घर के टारगेट पे जो है ना सलमान अर्चना और प्रियंका है, लेकिन यही जो है ना पूरे घर को नाको चने चबाएंगी, ये भी सच है। क्योंकि मैंने अभी जैसे कि ओपनिंग में भी इस रिव्यू के कहा कि यही दोनों हैं जिनकी आवाज़ इरिटेटिंग भी लगती है, लेकिन यही दोनों हैं जिसकी वजह से ना इस घर में आवाज़ है, वरना ये घर खामोश हो जाए। तो जैसे कि आज के पूरे एपिसोड में प्रियंका की कम आवाज़ थी और सलमान खान के सामने भी आज जितना थोड़ा वो भी बोली है अपनी आवाज़ को लो करके बोली है, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी अपने वॉल्यूम को लो करने की। लेकिन डेफिनेटली इन दोनों की ही जो है आवाज़ है वो
घर में इरिटेटिंग भी लगती है और क्या कहते हैं एंटरटेनिंग भी है। सो दैट इज द फैक्ट। और चले गए हैं गौतम, एलिमिनेट हो गए हैं इस घर से। और गौतम के जाते वक्त भी जो है सौंदर्या, तुम सबसे मिले मुझसे नहीं मिले, पहले तो तुम आज भी तुमने मुझसे लड़ाई ही करनी थी, आज सारा दिन तुमने मुझसे लड़ाई की है। अरे यार जाते हुए भी तुम ही उससे लड़ाई कर रही हो, उसने कब लड़ा, वही जो है तुमसे, तुम ही जो हो सौंदर्या गौतम से लड़ रही हो, तुम ही जो हो गौतम से दूर दूर थी। बेचारा गौतम तो कल अलग बैठा जो है अब्दू के साथ रो रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप शालीन को जो है कंसोल कर रही थी, उसके गुस्से को ठंडा कर रही थी, पूरा घर ही तो कर रहा था। अब तो अगर आप अपने गौतम को थोड़ा टाइम दे दे तो क्या होता भाई। बेचारा गौतम जो है ना सौंदर्य के चक्कर में निकल गया। गौतम मेरा फेवरेट नहीं था, लेकिन जो वो कर रहा था थोड़ा बहुत पसंद आ रहा था, या कह लें कि सही कर रहा था। लेकिन सौंदर्य के चक्कर में जो है, सौंदर्य की पीछे पीछे लगने के चक्कर में जो है, सौंदर्य को खुश करने के चक्कर में जो है वही निकल गया। और मैंने शायद ये कहा भी होगा, आई थिंक मैंने ये कहा है कि जो है ना ये जितना कर रहा ना सौंदर्य सर सौंदर्य सौंदर्य उस चक्कर में जो है ये निकल ही ना जाए, जो कि वो आज हो गया। अब जो है ना सौंदर्य की भी थोड़ी जो है ना असलियत जो है सामने आ रही है उसके प्यार को लेके। शालिन को तो मैं क्या ही बोलूँ, शालिन और टीना वो तो है ही, कभी कहते हैं है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं स्टे अवे, फिर बात करने लगते हैं एक दूसरे को, पता नहीं अजीब सा एक गंध चल रहा है वहां पे। लेकिन सौंदर्य मैंने कहा था गौतम की तरह से थोड़ा सा जो था ना रियल लगता था, जैसे कि शिव ने कहा कि बहुत जल्दी जो है उसने जो है ना फिफ्थ सिक्स गेयर में चला गया। उसे एक स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को लेता तो शायद आज गौतम भी घर पे होता और शायद उसका रिलेशनशिप भी बेहतर होता सौंदर्य से। लेकिन आज ये पता चल गया, साबित हो गया कि सौंदर्य की तरफ से फेक था, लाइक लिटरली फेक। जैसे कि वो जिस तरह से वो रो रही थी और रो रो के जो है अब्दू के सामने किसी के सामने आके बैठ रही थी, और उसको चाह रहा था कि हर वो चाह रही थी कि कोई भी है ना उसको कंसोल करे, क्योंकि उसको जो है ना वो लाइमलाइट और वो सिंपथी चाहिए हर किसी से, ताकि वो दिखे, क्योंकि पहले वो गौतम के साथ दिख रही थी, अब उससे दिखने के लिए वो ये सब कर रही है। मेरे ख्याल में ये मेरा आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू है और ऑब्जर्वेशन है, और मेरी या मेरी ऐसी सोच है कि जब आप किसी को याद करते हो, या आपको अगर रोना आता है किसी के इस तरह से जाने पे, या अगर मैं उस शो में होती हूँ तो मैं किसी के सामने जा जा के नहीं बैठती कि हाय मुझे उसकी याद आ रही है, शायद मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैं जो हूँ अकेले जाके बैठती उसकी चीज़ों के साथ या वट एवर, और वो टाइम थोड़ा स्पेंड करती है, एंड देन क्योंकि मुझे गेम में भी रहना है तो जस्ट वो एक टाइम यूज करती, एक रात जो है आई विल टेक माई टाइम और जल्दी से चीजों को वाइंड अप करके गेट बैक टू द गेम। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो जो है अर्चना ने उसे कहा कि अब तुम यहाँ क्या करके, अब तुम यहाँ क्या करोगी, तुम तो बोर होगी, तो चलो इस टाइम को यूज करो और शालीन को जो है क्या कहते हैं शालीन के साथ खेलो तुम, और टीना को जेलस करो। तो हाँ हाँ ये सही है, ये सही है, ये बहुत अच्छी बात है, हाँ अब देखो मैं टीना को कैसे जेलस करती हूँ। तो भाई यहाँ से भी जो है ना पता चल गया कि वाकई इसका जो फॉन्डनेस है उसके लिए गौतम के लिए जो है फेक है। जैसे कि जब शालिनी ने उसे पूछा था कि क्या तुम्हें आर यू श्योर कि तुम उसे प्यार करते, कहती है हाँ हाँ गौतम ने मुझे पूरा अपने प्यार का यकीन दिला दिया था। भाई गौतम ने तो यकीन दिला दिया था कि वो उसे करता है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि हाँ मैं भी करती हूँ। जिस तरह से शालिन की दोस्त बनने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से जो है वो शालिन के करीब आने की कोशिश कर रही है, तो भाई वो फेक नहीं तो और क्या है। क्योंकि उसने कहा था गौतम से ही कहा था कि जो इंसान तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए इतना क्या कहते हैं गलत बोल सकता है, इतना मीन बोल सकता है, इस तरह से नकल कर सकता है, और तुम जो हो मेरे हक में खड़े नहीं हो सकते, मैं तो ऐसे इंसान से कभी जिंदगी में बात ही मत करूं, और बात भी नहीं कर रही थी। ओहो गौतम के जोते ही बेस्टीज हो गए दोनों, वाह क्या बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्क और फेस फेकनेस। आज जो घर में है ना प्रियंका की डबल फेस की भी बात हुई, मैं भी उसको कहती हूँ, लेकिन मैं चले आपको एक बात बताने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ किस तरह से डबल फेस। जो एक बहुत ही राइचियस बंदा होता है ना, एक जो सही करना चाहता है हर बात में, तो उसके लिए कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने बात के लिए जो है ना एक वही चीज करना जो कहा है, क्योंकि वो हर बात में सही होना चाहता है। जैसे प्रियंका कहती है मेरे लिए सिर्फ मैं ही सही हूँ, क्योंकि उसको लगता है वो हर बात में वही सही है और वो सही करती है, और उसको पता है व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। लेकिन एक्चुअल में राइट थिंग है क्या रियलिटी में, लाइक जेन्युइन में
एक सही चीज क्या है। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही चीजें जो है वो थोड़ा सही गलत की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। सही गलत की डेफिनेशन प्रियंका के हिसाब से थोड़ी अलग है, या अंकित के हिसाब से, या किसी के भी हिसाब से। जब जब सही गलत की एक डेफिनेशन आती है तो कभी भी सेम नहीं होती है, सिमिलर जरूर हो सकती है सही गलत की डेफिनेशन। अब प्रियंका क्योंकि हर जगह सही होना चाहती है और वो सही करना चाहती है, तो जहां पे दोस्तों की बात आती है तो वहां पे वो कहते ना कान जो है यूं पकड़ने के बजाय तो वो यूं पीछे से हाथ लाके जो है पकड़ती है। और इसी यही बात है कि वो बात वही कर रही होगी फ्रेंड में लेकिन थोड़ा शुगरी वे में, और सेम चीज जब वो कहीं और करती है तो वो जो है डायरेक्ट सीधा ऑन पॉइंट। तो यही जो डिफरेंस जो है सलमान खान ने शायद उसको समझाने की कोशिश की है आई थिंक, कि भाई आप जो हो, जैसे कि उसने कहा था कि अर्चना के टाइम पे उस सब कुछ सबने जो है उसे समझाया था, लेकिन कमरे में जाके सिचुएशन को काम करने की कोशिश की थी अर्चना को, काम किया था कि नहीं किया था, क्यों? क्योंकि वो दोस्त थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में, क्योंकि उसका दोस्त इस सिचुएशन में कोई नहीं था, तो उसने जो है आउट लाउड पूरा, यानी ये रात जो है ना इसमें जो है खवार कर दी थी, यानी कि पूरी रात उसने अपनी जो है इस चीज में खराब कर दी थी, क्योंकि उसका वो सामने दोस्त कही, उसने शायद सेम चीजें ही थी, ऑलमोस्ट सेम चीज ही कही थी कि ये गलत है, लेकिन उसने किस तरह से ये गलत है कहा अर्चना के मामले में, कमरे में ले जाके सिचुएशन को काम करने की कोशिश की, उसने कहा कि ये गलत है। और शिव या स्टैन के मामले में क्योंकि उसके दोस्त नहीं है तो उसने जो है आउट लाउड अपना अपने गले के जो है ना वो कुछ उसने खराब कर ली होंगी, ये कह के कि ये गलत है, मैं क्या कहते हैं सिक्योर फील नहीं करती, दिस एंड दैट 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 दैट, ऊंचा 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 ऊंचा। इस वजह से जो है वो इरिटेटिंग और डबल फेस लग रही है, क्योंकि वही दो कर वो सेम चीज रही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, और डिफरेंट तरीके से कर रही है अपने जो फ्रेंड्स नहीं है, जो जो उसके ऑपोजिट है या जिनसे वो चिढ़ती है, जैसे कि शिव और स्टैन। तो इसी वजह से वो डबल फेस्ड जो है कहला रही है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो जो कह रही है वो गलत है, लेकिन जो तरीका है ना उसका वो सेम नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो डबल फेस लगती है। नाउ कमिंग टू सुम्बुल, सुम्बुल जो है फिर से जो है आज, हाँ आई एम फॉन्ड ऑफ यू, हाँ आई लाइक यू, लेकिन उस तरीके से नहीं, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप मुझसे रूड हो जाओ। भैया मैं क्या ही बोलूं, यहाँ पे तो मुझे आना आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि सुम्बुल पे डायरेक्ट चलते हैं शेखर सुमन के सेगमेंट पे। जब शेखर सुमन आया ना तो आज का मुझे थोड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जो है ना जिस तरह से इनकी वाट लगाई है ना अपने जोक्स में, मजा आ गया। अर्चना को भी जो है ना आज उन्होंने भिगो भिगो के मारा, अर्चना ने जिस तरह से प्रियंका को कहा है, या अर्चना जो है डबल स्टैंडर्ड उसके जो होते हैं, या जो भी अर्चना के फ्लॉज जो अर्चना एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो उस पे कहा है, प्रियंका को कहा है, अंकित को भी कहा है। वो जो चार्जर और बैटरी, चार्जर और फोन वाला था ना, वो तो बहुत ही मजे का था, परफेक्ट था, परफेक्ट। तो ये था जी आज के एपिसोड का रिव्यू। मुझे जो मेन मेन बातें लगी वो मैं जो हूँ उन पे यानी कि बात कर चुकी हूँ, मैंने कह दिया है। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स, तो उसमें डेफिनेटली जो है बात कर लेंगे। तो मैं ये वीडियो जो हूँ यहाँ पे खत्म करती हूँ, और आप लोगों को मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धन की दुनिया। स्टे सेफ स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव एंड डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिव, बिकॉज़ लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर, एंड डोंट वरी योर मम्मी पापा। अल्लाह हाफिज़।